वेलकम टू अरोमाटेक इक्विपमेंट्स। तो जैसा कि आपने देखा था मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि हमें इलेक्ट्रिक ओवन लेना चाहिए या गैस ओवन लेना चाहिए, तो अब हम इस वीडियो में दिखाने जाएंगे कि गैस और इलेक्ट्रिक में पैनल के कितने डिफरेंस होते हैं और वो पैनल कैसे काम करता है। तो मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लोगों को जानने का हक है, देखने का हक है कि वो एक्चुअल में पैनल होता कैसे, रनिंग कैसे करती है, काम कैसे करता है। सो देयर इज मेनी पीपल जो नहीं जानते कि वो काम कैसे करेगा, खराब होने के बाद वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं और आगे से कोई हेल्प नहीं मिल पाती, तो उसके लिए मैं खोलने जा रहा हूँ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है, ये हमारा पैनल, हमने 3 पेज निकाल दिए थे और अभी लास्ट, और मैंने इससे पहले वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे जो कि आपको देखने को मिलेगा, उसमें मैंने सारा कुछ मेंशन कर रखा है। सो अब हमारे ये हमारा हीटर है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर क्या काम करता है, जैसे हम ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसको एक सप्लाई मिल जाती है, समझ में आ जाता है करंट जाना है, तो ये करंट जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद ये कॉन्टेक्टर में जाता है, कॉन्टेक्टर में जाने के बाद जैसे ये सप्लाई देता है ये दब जाता है, ये पुश हो जाता है। देखो, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये गया अंदर और मैंने 0 किया, बाहर आ गया। तो जैसे ही इसको मतलब इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको करंट पास करना है इन सारे हीटरों में, तो ये दब जाता है। जैसे ये दबता है ये करंट पास होने लग जाता है, क्योंकि ये करंट जो मेन इन तारों से आया हुआ है और ये पास होके ये हीटर चला देते हैं। इसके साथ न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, फेस और न्यूट्रल जुड़ के हीटर को गर्म करते हैं, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक चाहिए। अब इलेक्ट्रिक से ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सारा चीज इलेक्ट्रिक पैनल से, ये भी बिजली से चल रहा है, बट जो कंट्रोल्स को बिजली चाहिए वो चाहिए 0.5 वाट जो नॉर्मली है, और 80 वाट ऑल कंट्रोल्स के लिए। अब हम ये जो फ्यूज देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे स्टेबलाइजर लगवा दें तो फ्यूज के जगह पे यहाँ पे, और फिर फ्यूज भी लगा रहेगा, तो आपका ये ओवन सालों साल कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि जो भी मशीन खराब होती है इलेक्ट्रिक वोल्टेज के कारण ही खराब होती है। अब इसमें ये हीटर चल जाते हैं, ये थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर बताता है, आपके इनर सर्कल का पूरा टेम्परेचर बताएगा, कितना टेम्परेचर हो गया कितना नहीं हो गया। तो ये था इलेक्ट्रिक का पैनल, इलेक्ट्रिक ओवन का पैनल जो कि कैसे काम करेगा। तो ये हमारे 6 हीटर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, मतलब 6 ऊपर 6 नीचे। तो ये 1-1 किलोवाट के हीटर्स हैं जो कि लगे हुए हैं। अब ये इंफ्रारेड हीटर कहलाते हैं। अब आ जाते हैं हम गैस ओवन में, जो गैस ओवन में क्यों महंगा है और उसमें क्या चीज लगाई जाती है, तो वो भी हम दिखाते हैं आपको। आइए, तो ये जो है गैस ओवन का पैनल है, ये बर्नर है, ये गैस रिलीज करने के लिए है, 1-2 सोनेट वॉल्व है, अभी गैस पास आउट करता है, गैस पास आउट करके ये ब्लोअर है, ब्लोअर लंबे पाइप में अंदर तक एयर छोड़ता है ताकि गैस लंबा चले, मतलब अंदर तक जाए और पाइप में कन्वर्ट, मतलब पाइप तक लंबी लेंथ ले, मतलब फ्लेम का। अब हम ये बात करते हैं कंट्रोल, ये ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है कि जब फ्लेम कब जलना चाहिए, आग कब लगनी चाहिए, आग लगी तो गैस जाना चाहिए, नहीं तो नहीं चलना चाहिए, तो ये इसका काम होता है, ये थर्मोस्टेट है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ये ब्लोअर है जो हवा फेंकता है, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें इतना स्पेस चाहिए होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक ओवन छोटा है और गैस ओवन बड़ा है, और इस बेकिंग के एरिया के लिए हमें बेकिंग एरिया ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए वहां पे गैस ओवन हम लोग बड़ा कर देते हैं क्योंकि वो बर्नर लगाया जाता है हमारे। तो ये है मेजर डिफरेंस फुली इलेक्ट्रिक ओवन और गैस ओवन का मेन डिफरेंस इलेक्ट्रिक और गैस का। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्लियरली बता दिया है कि हमें क्यों गैस ओवन लेना चाहिए और क्यों इलेक्ट्रिक ओवन लेना चाहिए, तो वो वीडियो भी जाकर देखें और बने रहिए हमारे साथ अरोमा बेक इक्विपमेंट। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए YouTube पे सर्च करें अरोमा बेक इक्विपमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।